Hello friends, my name is Neer and you are watching my channel Technical Knowledge by NK. आज हम बात करेंगे सिंपल असेंबली ऑफ स्टार डेल्टा स्टार्टर, सही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है क्या क्या चीज़ की है, ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं स्क्रीन पे। ओके, सो डीपी यूज़ कर सकते हैं हम, एमसीवी भी यूज़ कर सकते हैं सिंगल पोल सिर्फ फेस के लिए, और डायरेक्ट आप न्यूट्रल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद मेन कॉन्टेक्टर, इसके बाद ओलर, इसके बाद अगेन डेल्टा कॉन्टेक्टर, एक कॉन्टेक्टर और चाहिए हमें। इसके बाद हमारे को चाहिए आपका स्टार कॉन्टेक्टर, सही है? फिर इसके बाद चाहिए हमारे को टाइमर, टाइमर के बाद हमें चाहिए एनवेंसी बटन। अब क्या है कि हमारे को इसमें सप्लाई कनेक्ट करनी है, सही है? तो मैं न्यूट्रल और फेस दोनों कनेक्ट करूँगा। फिलहाल तो मैं ऊपर से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा इनपुट नीचे से ही यूज़ करते हैं, ठीक है? तो मैं ऊपर से कनेक्ट कर रहा हूँ, सही है, फेस और न्यूट्रल। इसके बाद मैंने इसको फेस उठाया और सीधा कनेक्ट कर दिया ओएलआर के 95 पे। 95 के बाद मैं ओएलआर के आउटपुट 96 पे इसको कनेक्ट करके, सही है, ये सीधा एनसी पे ले जाऊँगा। एनसी पुश बटन, जो स्टॉप बटन जिसको बोलते हैं, उस पर लेके जाऊंगा और कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद इसके जो एनो है हमारा बटन, उसको मैं इसके साथ में लूप कर दूंगा, ठीक है, ऐसे, सही है? आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको लूप मार दिया, ठीक है? इसके बाद इससे जो एनो से आउट निकलेगा वो सीधा मेन कॉन्टेक्टर के A1 पे कनेक्ट हो जाएगा, सही है? इसके बाद एक होल्डिंग के लिए हम वायर कनेक्ट करेंगे, एनसी के आउटपुट से ही ले लेंगे, ठीक है? और वो सीधा हमारे को एनओ जो है कॉन्टेक्टर का, कोई एक यूज़ कर लेंगे, एनओ मान लेते हैं हम इसको, सही है? तो एक एनओ यूज़ करते हुए हम इनपुट पे और आउटपुट में A1 पे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा होल्डिंग का कनेक्शन हो गया है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं टाइमर। तो टाइमर के लिए मैंने देखो कनेक्ट किया है, उसके जो हमने एनओ का जो आउटपुट था उसके आउटपुट से होते हुए और सीधा मैंने एनओ के A1 पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब इसमें एक लूप लगाना होता है, जो है ना, जिसके लिए हम लूप लगाते हैं, वो जो सप्लाई होती है स्टार और डेल्टा कनेक्टर के लिए, वो कॉमन हो जाती है, ठीक है? तो ये मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया, ठीक है? तो यहाँ तक सप्लाई है, सही। अब देखते हैं, हाँ, अब क्या है, हम स्टार के लिए क्या, अब हम कुल मिला के क्या करेंगे कि इंटरलॉकिंग करेंगे इन दो को, स्टार और डेल्टा को, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक स्टार के पॉइंट को और सीधा इसके डेल्टा के एनसी से होते हुए, ठीक है, एनसी से आउट करते हुए A1 पे कनेक्ट कर दूंगा स्टार के, सही है? इसके बाद अब क्या होगा, दूसरा डेल्टा को इंटरलॉक करने या फिर सप्लाई देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से उठाऊंगा वायर और स्टार के एनसी से होते हुए, सेम जैसे हमने डेल्टा में किया था, वो एनसी से होते हुए डेल्टा के A1 पे कनेक्ट कर दूंगा, सही है? तो ये कनेक्शन हो गए, है ना। अब हम न्यूट्रल की बात करते हैं। न्यूट्रल को हम सीधा MCB या DP जो आपने यूज़ की है उस पर हम ले कनेक्ट कर लेंगे और सीधा हम डायरेक्ट मेन कॉन्टेक्टर पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? इसके बाद हमने टाइमर को कनेक्ट कर लिया A2 पे न्यूट्रल को, सही है? और यहाँ से होते हुए हमने सीधा क्या किया, एक लूप लिया A2 पे टाइमर से और सीधा कॉन्टेक्टर के डेल्टा के A2 पे कनेक्ट कर दिया, है ना।
देख पा रहे होंगे आप, है ना। नेक्स्ट यहीं से एक लूप ले लेंगे, या तो हम यहाँ से भी टाइमर से भी ले सकते हैं ए टू से, टाइमर के ए टू से, या फिर डेल्टा के ए टू से भी, जो आपको सूटेबल लगे वहाँ से कनेक्शन डायरेक्ट न्यूट्रल को करके आप स्टार के एन सी में ए टू पे दे सकते हैं। सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।